लिंक दे दीजिएगा। यस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप आप सभी सब लोग? चलिए, थोड़ा सा आते आते देर हो गई, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उनको शॉर्ट आउट करके हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया सेशन लेकर, जिसका नाम आपको पता है, मैराथन क्लासेस फॉर जीपैट 2023। यस, 2023 का आगाज हो चुका है, एग्जाम की डेट तो नहीं आई, लेकिन एग्जाम की डेट से पहले एक घबराहट और एक बेचैनी जैसे होने लगी है हमारे मन में कि हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ याद रह नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैराथन क्लासेस लेके आए हैं, एक आपका रिवीजन और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हो सकता है कि आपके जीपैट में आपकी हेल्प करेंगे। डेफिनेटली यहाँ के क्वेश्चंस और यहाँ के कंसेप्ट दोनों ही आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं मैराथन क्लास का आज का जो सेशन है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सपोजिटरीज, सेमी सॉलिड्स, टैबलेट एंड कैप्सूल से रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं बहुत सारे कंसेप्ट आपको आज बताने जा रहा हूं, जो कि आपके जीपैट में इंपॉर्टेंट टूल बनेंगे, आपके लिए हेल्प करेंगे वो। ध्यान दीजिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग, इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग टू प्रोवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इन टू द टैबलेट कोर। समझिए क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग टू प्रोवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म्ड। कौन सी स्टेप हम परफॉर्म करते हैं, कौन सी स्टेप हम लोग परफॉर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, कौन सी स्टेप हम परफॉर्म करते हैं? सील कोटिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सब कोटिंग, ऑप्शन सी सिरप कोटिंग, और ऑप्शन डी पॉलिशिंग। जीपैट 2022 का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिंपल है, ना पढ़ने वालों के लिए तो हर चीज टफ होती है। तो यहां पर देखेंगे तो शुगर शुगर कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग जो प्रोसेस होती है मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। कैसी होती है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा ब्रीफ में। मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, और इसमें टैबलेट के ऊपर हम मल्टी लेयर अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या करते हैं, मल्टी लेयर अप्लाई करते हैं, बहुत सारी लेयर अप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए ये आपकी टैबलेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर, कोर टैबलेट। इसके ऊपर थ्री, बेसिकली अगर देखें तो बेसिकली बहुत होती है, लेकिन हम देखेंगे थ्री लेयर्स, थ्री लेयर्स मेनली यूज करते हैं हम। सबसे पहली सील कोटिंग, उसके बाद देन शुगर सब कोटिंग, ये अंदर का हो गया सील कोटिंग, उसके बाद आपका सब कोटिंग, और फाइनली हम चलेंगे तीसरा, थर्ड स्टेप जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है, फाइनल स्टेप, इसको बोलते हैं सीरपिंग। क्या बोलते हैं इसको, सीरपिंग। तो यहां पर जो इसके जो हम क्राइटेरिया देखे हैं कि इस टाइप के जो स्टेप्स आप दिखाई दे, पॉलिशिंग फाइनल स्टेप होती है कुछ केसेस में। तो यहां पर यदि हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर ये स्टेप, सबसे पहले जो स्टेप आती है सील कोटिंग, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सील कोटिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हम कोटिंग अप्लाई करते हैं टैबलेट के ऊपर, कौन सी सिरप कोटिंग अप्लाई करना है, तो हमें सुक्रोज का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके उसको अप्लाई करना है, तो उसमें होता है वाटर,
और यदि आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, अगर डायरेक्टली हमने उसको अप्लाई कर दिया तो देयर विल बी चांसेस ऑफ दी डिजोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी टैबलेट को मॉइस्चर प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए हमें सीलिंग करनी पड़ेगी, सीलेंट यूज करने पड़ेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सील कोटिंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सील कोटिंग, और इसमें यूज होने वाले जो कंपाउंड होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो सीलेंट कहलाते हैं। सीलेंट कौन कौन से, जीन होता है एक सीलेंट, ठीक, जीन, शेलाक, शेलाक भी एक सीलेंट होता है जो मॉइस्चर प्रिवेंशन को पेनिट्रेट करता है। साउंड में इको प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रहा मैं, कैसा है इको, डबल साउंड आ रहा है क्या बेटा? बेटा एकदम से क्लियर है साउंड? एकदम से सही है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारी जो बुक है, इस बुक के बारे में आपने काफी सुना होगा, फार्मा मंत्र जीपैट, या कह सकते हैं गेट 1988 से लेके, गेट 1988 से लेके जीपैट 2022 तक के एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा कलेक्शन है। और हिस्ट्री की एक ऐसी बुक है, हिस्ट्री की इन द सेंस की फार्मा हिस्ट्री की एक ऐसी बुक है जो कि फुली कलर्ड है और हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है। ये जो बुक है हमारी जीपेट मंत्रा, इसमें टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। और ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका जीपेट मंत्रा का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जल्दी रिलीज करने वाले हैं हम लोग, ताकि जो बच्चे इस जीपेट मंत्रा बुक को परचेस करेंगे वो उस वीडियो एक्सप्लेनेशन का भी लाभ ले पाएंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें। तो यहाँ पर जीपेट मंत्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है आपके लिए, जीपेट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो रेफरेंस अगर देखें तो लैकमैन बुक आपकी जो इंपॉर्टेंट बुक है उसके पेज नंबर 3355 पर है, और जीपेट मंत्रा के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 30 पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अ टिपिकल स्किन क्रीम कंसिस्टिंग ऑफ स्टेरिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, consisting of stearic acid, देखिए stearic acid, potassium hydroxide, glycerin, water, preservative and perfumes, ये formula दिया गया है, ये क्रीम का formula दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये किस क्रीम का formula है, ध्यान दीजिएगा, cold cream, vanishing cream, foundation cream, all purpose cream, yes, कौन सी क्रीम का, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं vanishing cream, they are बिल्कुल करेक्ट है वो लोग, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा वेनिशिंग क्रीम का, यदि हम डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं, आंसर वेनिशिंग क्रीम ही है। तो यहां पर एक वेनिशिंग क्रीम का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, इसमें स्टेरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन वाटर और परफ्यूम्स, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए, यहां से फॉर्मूले से सीधा क्वेश्चन उठ के आया था। तो हमें फॉर्मूले पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ग्लिसरीन जो आपकी वेनिशिंग क्रीम होती है वो किस टाइप का सिस्टम होती है, ओडब्ल्यू टाइप का इमल्शन सिस्टम होती है। तो फिर से जीपेट मंत्रा के बुक वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 38 पर इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन अब्जॉर्प्शन बेस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि अब्जॉर्प्शन बेस का ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आपका अब्जॉर्प्शन बेस हो। चार तरह के बेस हम यूज करते हैं, फोर टाइप के बेस हम यूज करते हैं किसी भी ऑइंटमेंट को बनाने के लिए, कितने तरह के, फोर टाइप के, कौन कौन से, ओलियाजिनस, दूसरा आपका अब्जॉर्प्शन, तीसरा वाटर मिसिबल, और फोर्थ नंबर का वाटर सोलेबल। तो यस, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर देखें, यहां पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज इंग्रेडिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस, अब्जॉर्प्शन बेस का कौन सा होता है, देखिए पेट्रोलेटर नहीं होता, ये आपका ओलेजिनस बेस होता है, लैनोलिन बाद में बात करेंगे, उसके बाद आता है आपका कैस्टर ऑयल, ये तो हम यूज नहीं करते बेसिकली, ये हम ओलेजिनस में यूज करते हैं, ठीक है, सिटाइल अल्कोहल ये भी ओलेजिनस में यूज होता है। तो करेक्ट आंसर की तरफ हम मूव करते हैं, करेक्ट आंसर क्या, लैनोलिन इज द अब्जॉर्प्शन बेस। लैनोलिन के अलावा और कौन कौन से अब्जॉर्प्शन बेस होते हैं वो देखिए, वूल फैट, बीज वैक्स, हाइड्रस वूल फैट जिसको हम लैनोलिन के नाम से जानते हैं, केओलिन और पॉलिडेज। ओलेजिनस बेस को यदि हम देखें तो हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलेटम, मिनरल ऑयल, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस, उसके बाद वाटर रिमूवल बेसिस में इमल्सिफाइंग बेसिस और सॉफ्ट पैराफिन आपको दिख जाएगा,
और वाटर सोल्यूबल बेस के लिए आप बेस्ट सुटेबल जो है वो क्या है, पीईजी। क्या है बेटा? पीईजी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं टैबलेट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाते हैं। सिलेक्ट द इक्वेशन दैट गिव द रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है। फिक्स लॉ, फिक्स लॉ, कुछ बच्चे एक फिक्स लॉ को लगाना चाहेंगे, बोलते हैं फिक्स लॉ सब कुछ है। हाँ बिल्कुल, फिक्स लॉ सब कुछ है, लेकिन ये डिफ्यूजन के लिए है। किसके लिए? डिफ्यूजन के लिए। हालांकि डिजोल्यूशन भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर बात करें, तो उसके लिए दूसरी इक्वेशन हम यूज करेंगे। दूसरा आपका हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन, ये पीएच और पीके के बीच के रिलेशन को बताता है। माइचेल्स मेंटेन इक्वेशन, ये एंजाइम काइनेटिक्स को बताता है। तो ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जी? करेक्ट आंसर होगा नोज विटनी इक्वेशन। क्या होगा? नोज विटनी इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? नोज विटनी इक्वेशन। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर हम देखें इसको, नोज विटनी इक्वेशन होती क्या है बेसिकली, इसमें इक्वेशन क्या होती है? तो डीसी बाय डीटी इक्वल टू डी ए के इज द पार्टिशन कोफिशिएंट, सी एस माइनस सी बी अपॉन वी एच। सी एस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द स्टैग्नेंट लेयर, बी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बल्क, और वी इज द वॉल्यूम ऑफ मीडिया जहां पर डिजोल्यूशन प्रोसेस हो रही है, एच इज द पाथ लेंथ, एच इज द थिकनेस ऑफ स्टैग्नेंट लेयर या पाथ लेंथ कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखेंगे दूसरे जो इक्वेशन है, इक्वेशन किस किस को डिस्क्राइब वो भी बताया गया है इसमें, जैसे कि फिक्स लॉ, फिक्स लॉ, फिक्स लॉ रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन को बताता है, हेंडरसन एजलवेज पीएच और पीके के रिलेशन को बताता है, वास्तविकता नोज विटनी इक्वेशन किसके लिए होते बेटा? रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था। ओके चलिए बहुत बढ़िया, मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम, ब्लूम ब्लूम एक वर्ड है जो कैप्सूल के लिए हम यूज करते हैं, ये वर्ड केवल कहीं यूज नहीं होता, केवल कैप्सूल के लिए हम यूज करते हैं। इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम द जिलेटिन एंड इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट ऑफ टैबलेट। ठीक है, ये मॉलिकुलर वेट ऑफ, एक मिनट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी, ये थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैप्सूल। चलिए यहां पर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लूम स्ट्रेंथ का किसको बताता है, किसके बारे में बताता है ब्लूम स्ट्रेंथ? ध्यान दीजिएगा, तो ब्लूम स्ट्रेंथ क्या बताता है? कोसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं बताता बिल्कुल। एडहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन विद डिपिंग पिन ये भी बिल्कुल नहीं बताता। एडहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन विद द अदर पॉलीमर ये भी नहीं बताता। तो आंसर क्या बचता है? कोएसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग। ये याद रखिएगा, डेफिनेशन आती है ब्लूम स्ट्रेंथ की, ब्लूम स्ट्रेंथ की कोएसिव स्ट्रेंथ आती है, कोएसिव स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेट क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल। जिलेटिन मॉलिक्यूल के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, जिलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसका एक मेजर होता है, उसका एक मेजरमेंट होता है, और उस मेजरमेंट को, उस इंडेक्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? ब्लूम स्ट्रेंथ नाम देते हैं। यहां देखिए ब्लूम स्ट्रेंथ, ब्लूम स्ट्रेंथ, ये अगर बोले ब्लूम स्ट्रेंथ, हम देखें कैप्सूल को बनाने के लिए हम जिलेटिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कैप्सूल को बनाने के लिए? जिलेटिन यूज करते हैं। ठीक है, जिलेटिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अमाइनो एसिड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलकर, उनमें क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग जितनी ज्यादा होगी ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। तो लो ब्लूम, लो ब्लूम मतलब ब्लूम नंबर कम, 50 to 125, मीडियम में 175 to 255, और हाई ब्लूम में 225 to 325। तो यहां पर देखेंगे देखिए मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है तो ब्लूम स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो ब्लूम स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो हायर मॉलिक्यूलर वेट होगा तो ब्लूम स्ट्रेंथ हाई होगी, क्रॉस लिंकिंग जितनी ज्यादा होगी ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हाई होगी। तो यहां पर हम दो तरह के कैप्सूल यूज करते हैं, आपको पता होगा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल यूज करते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यूज करते हैं। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए हम लो ब्लूम स्ट्रेंथ यूज करते हैं। ठीक है, लो लो ब्लूम जो आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए हम लो ब्लूम स्ट्रेंथ मटेरियल यूज करते हैं, लो ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन यूज करते हैं, और हार्ड जिलेटिन के लिए हाई यूज करते हैं, हाई ब्लूम स्ट्रेंथ, सॉफ्ट के लिए कम, हाई के लिए ज्यादा यूज करते हैं।
ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द टैबलेट हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इज यूज्ड एज, टैबलेट में हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज अगर शॉर्ट टर्म बोलेंगे तो क्या होता है, एचपीएमसी। और एचपीएमसी के बारे में एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, प्रॉपर्टी के बारे में एक और बताता हूं, ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल मटेरियल होता है। कैसा होता है बेटा जी, वाटर सोल्यूबल मटेरियल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखेंगे हम, तो वाटर सोल्यूबल मटेरियल होता है, कैसे एक्ट करता है, क्या डायमंड के जैसे एक्ट करता है, या फिल्म फॉर्मर के जैसे एक्ट करता है, या डिसइंटीग्रेंट के जैसे एक्ट करता है, या फिर बाइंडर के जैसे एक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखेंगे डायलवेंट, डायलवेंट क्या होते हैं, वह सब्सटेंस होते हैं जो वॉल्यूम मेकअप करने का काम करते हैं टैबलेट का, ये तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि पॉलीमर है। फिर उसके बाद फिल्म फॉर्मर, अभी इसको छोड़ देते हैं। फिर आते हैं डिसइंटीग्रेंट, डिसइंटीग्रेंट आर दोज कंपोनेंट व्हिच इन्वॉल्व इन द ब्रेकअप ऑफ द टैबलेट्स, ये भी नहीं होते, बाइंडर का काम भी नहीं करते। बेसिकली इनका जो पर्पज है, ये नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मर मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मर मटेरियल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, दो तरह के मटेरियल होते हैं, नॉन एंटेरिक मटेरियल और एंटेरिक मटेरियल। नॉन एंटेरिक मटेरियल जनरल मटेरियल होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, जबकि एंटेरिक मटेरियल के बारे में यदि हम बात करें तो एंटेरिक मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच प्रोवाइड द ड्रग रिलीज एट द स्पेसिफिक साइट ऑफ द जीआईटी। जैसे एंटेरिक जो आपके एंटेरिक मटेरियल है वो ड्रग का रिलीज स्मॉल इंटेस्टाइन में करेंगे रादर देन द स्टमक, स्टमक में ड्रग का रिलीज नहीं होता क्योंकि ये पीएच सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, याद रखिएगा इनको, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एंटेरिक मटेरियल से, ध्यान दीजिएगा। तो एंटेरिक मटेरियल में कौन सा सबसे ज्यादा इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ किसका नाम लिया जाता है, किसका नाम लिया जाता है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, क्या लिया जाता है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल थैलेट और पीवीएपी पॉलीविनाइल एसीटेट, जितने भी थैलेट्स हैं सब इसमें आते हैं। इसके अलावा याद रखना, इसके अलावा याद रखना, सब किसमें आएंगे, आपके किसमें आएंगे, नॉन एंटेरिक में आएंगे। हाँ, इसके अलावा एक्रेलेट पॉलीमर एल और एस, एक्रेलेट पॉलीमर एल और एस एंटेरिक मटेरियल में आता है, जबकि अदर अदर एक्रेलेट पॉलीमर अदर यूट्राजेट मटेरियल, यूट्राजेट जो पॉलीमर होता है बहुत फेमस पॉलीमर होता है, वो नॉन एंटेरिक, ज्यादातर नॉन एंटेरिक होते हैं, लेकिन लेकिन एल और एस ग्रेड वाले एंटेरिक होते हैं। इन केस ऑफ सपोजिटरी बेस SFI स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ना केवल GPAT 2019 उसी ईयर नाइपर में के एग्जाम में भी पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ध्यान देते हैं हम, ठीक, यहां पर आप ध्यान देते हैं, इन केस ऑफ बेस SFI स्टैंड फॉर, SFI का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल मतलब होता है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसका जो मतलब है वो है सॉलिड फैट इंडेक्स। ये डायलेटोमेट्री एक मेथड रहती है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, जिससे इससे हम क्या करते हैं, जो ऑइंटमेंट जो आपका सपोर्टरी बेस होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, टेक्सचर, सरफेस फील, इन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है कौन, SFI इंडेक्स। तो ध्यान दीजिएगा SFI इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके डिफरेंट टाइप के वैल्यूज हैं जो कि आपको याद करने हैं सपोर्टरी बेस के लिए, हाइड्रोक्सिल वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, वाटर नंबर, एसिड वैल्यू, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट एंड SFI सॉलिड फैट इंडेक्स, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसमें एक ग्राफ बनता है, जो परसेंटेज ऑफ फैट सॉलिड वर्सेस टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है, उसको डायलेटोमेट्री बोलते हैं। ये सॉलिडिफिकेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी बेस, जो कि आपके किसमें यूज किए जाते हैं बेटा, किसमें यूज किया जाता है, सपोर्टरी बेस को बनाने के लिए यूज किया जाते हैं, तो उनके लिए हम ये यूज करते हैं। आगे देखते हैं अपरेटस 4H पर यूएसपी, यूएसपी के अकॉर्डिंग टाइप 4 डिजोल्यूशन अपरेटर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अपरेटस टाइप 4 एच पर यूएसपी कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छे जा रहे हैं। चलिए चलिए बेटा जी बताइए, डिजोल्यूशन अपरेटस टाइप 4 एज पर द यूएसपी, मैं आपको बताना चाहता हूं, डिजोल्यूशन अपरेटस बेसिकली हम सॉलिड और सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए डिजोल्यूशन पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। किसको फाइंड आउट करने के लिए, डिजोल्यूशन पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। डिजोल्यूशन रेट निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, डिजोल्यूशन टाइम निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आईपी, यूएसपी और बीपी तीनों में डिजोल्यूशन अपरेटस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब ये ऑफिशियल टेस्ट होता है।
आईपी के अकॉर्डिंग 4 टाइप के रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं, वहीं यूएसपी के अकॉर्डिंग 7 टाइप के रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं, वहीं बीपी के अकॉर्डिंग केवल 3 टाइप के रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं। यस, तो यहां पर याद रखिएगा ऑपरेटर्स 4 एज पर यूएसपी। तो यहां पर सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको, फ्लो फ्लो से एफ, एफ एफ से 4, 4 फ्लो, 4 फ्लो एक जैसा साउंड आ रहा है, तो टाइप 4 रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स क्या होगा बेटा, फ्लो थ्रू सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लो थ्रू सेल, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर डिफरेंट टाइप के रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स दिए गए हैं, जैसे टाइप 1 को रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स को एज पर दी यूएसपी रोटेटिंग बास्केट, लेकिन एज पर दी आईपी इसको रोटेटिंग हम क्या पैडल बोलते हैं। ऑपरेटर्स 2 पैडल होता है एज पर दी यूएसपी, लेकिन आईपी के अकॉर्डिंग टाइप 2 होता है। टाइप 2 क्या होता है? बास्केट होता है। ऑपरेटर्स 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, तीन उल्टे सिलेंडर। ऑपरेटर्स 4 फ्लो थ्रू सेल, फ्लो 4 वाला फ्लो। 5 मतलब पैडल ओवर डिस्क। 6 मतलब रोटेटिंग, 6 रोटेट करते हुए सिलेंडर, और सिलेंडर मिलकर, 7 सिलेंडर मिलकर एक डिस्क बना लेते हैं। तो 7 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर या रेसिप्रोकेटिंग होल्डर, रेसिप्रोकेटिंग डिस्क होता है बेसिकली, रेसिप्रोकेटिंग डिस्क ऑपरेटर्स, होल्डर या डिस्क ऑपरेटर्स। अब यहां पर आईपी में भी 3 और 4 आईपी 2018 में ऐड हो चुके हैं। टाइप 3 वही है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, और टाइप 4 है पैडल ओवर, सॉरी फ्लो थ्रू सेल। चलिए ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एडिटिव यूज टू रिड्यूस डाई वॉल फ्रिक्शन इन टैबलेट कंप्रेशन, टैबलेट कंप्रेशन के दौरान कौन सा मटेरियल, ड्यूरिंग द टैबलेट कंप्रेशन कौन सा मटेरियल डाई वॉल एंड टैबलेट मटेरियल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। यस बताइएगा बेटा, रिड्यूस कर देता है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मटेरियल है जो टैबलेट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि डाई वॉल फ्रिक्शन और टैबलेट मटेरियल के बीच में, डाई वॉल और टैबलेट मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, एंटी एडरेंट, डाइलुएंट। डाइलुएंट तो कतई नहीं होता, डाइलुएंट का जो पर्पज होता है वो वॉल्यूम मेकअप करना है, फिलिंग का काम करना है। अब ग्लाइडेंट को देखते हैं, ग्लाइडेंट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच एडेड इनटू द टैबलेट फॉर्मुलेशन व्हिच इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल, या हम कह सकते हैं कि पार्टिकल फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी पर आते हैं, लुब्रिकेंट हो सकता है, मेरे ख्याल से है आंसर, लुब्रिकेंट पर ध्यान नहीं देंगे हम, आएंगे ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी कहता है एंटी एडेरेंट, जब हम टैबलेट को इजेक्ट करते हैं तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होती है, टैबलेट बाहर निकलती है, तो कई बार टैबलेटिंग मटेरियल डाईवॉल और पंच फेसेस पर अडेयर हो सकता है, स्टिक हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी एडेरेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइडेंट नहीं होगा, एंटी एडेरेंट नहीं होगा, डाइलुएंट नहीं होगा, तो क्या होगा पर आंसर, लुब्रिकेंट। हाँ, लुब्रिकेंट वह कंपाउंड है जो कि डाईवॉल और टैबलेटिंग मटेरियल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। मैंने एक्सप्लेनेशन सारा दे दिया है, अब इसकी जरूरत नहीं। विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन इन द कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग इज अ मेजर ऑफ, देखिए कैप्सूल जो शेल होता है, कैप्सूल का जिलेटिन जो होता है, उसकी हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनमें से दो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है ब्लूम स्ट्रेंथ, जिसके बारे में हमने बता दिया कि क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर बेड, और दूसरा होता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी, क्योंकि ये विस्कोसिटी जो होती है मैन्युफैक्चरिंग, जो आपकी कैप्सूल सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है, ब्लूम स्ट्रेंथ क्या करती है, कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग कैप्सूल सेल के मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना इनको, इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो सर क्या पढ़ लें, इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर आपको कैप्सूल में कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो ब्लूम स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी है सबसे ज्यादा। तो ये बेसिकली ना तो सॉफ्टनेस को बताता, ना हार्डनेस को बताता, ना कोई सिर्फ स्ट्रेंथ को ब्लूम बताता रहा। तो ये कौन, मॉलिक्यूलर चेन लेंथ जितनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूलर चेन लेंथ आपके जिलेटिन मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा रहेगी, मतलब विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एक तरीके से मॉलिक्यूलर चेन लेंथ का मेजर है कौन, आपका विस्कोसिटी। तो यहां पर देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं कैप्सूल के लिए, स्पेसिफिकेशन की स्टोरेज कंडीशन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, प्रोसेसिंग एरिया पैरामीटर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी 35 टू 45%, ऑपरेटिंग एरिया
ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन पर आते हैं, ये 25 टू 45 मिलीपोज होनी चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी विस्कोसिटी होनी चाहिए जिलेटिन की, तो 25 से 45 मिलीपोज। और किसका मेजर है ये? मॉलिक्यूलर चेन लेंथ का मेजर होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिलेटिन फिल्म को डिटरमाइन करता है। मॉइस्चर कंटेंट हार्ड जिलेटिन में आपको पता है 12 to 16% होता है, सॉफ्ट में 6 to 9% होता है। भाई डिसइंटीग्रेशन टाइम यदि देखें तो हार्ड जिलेटिन का कम होता है 30 मिनट। इंटरेस्टिंग, हार्ड जिलेटिन का डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होता है, सॉफ्ट जिलेटिन का डिसइंटीग्रेशन टाइम ज्यादा होता है। क्लियर? यह हमारे जीपेट मंत्रा बुक के वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 229 पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हरियर, मैच द फॉलोइंग सपोजिटरी विद देयर शेप। सपोजिटरी के शेप, सपोजिटरी के डिफरेंट टाइप के शेप रहते हैं। आपने देखा 5 टाइप की सपोजिटरी होती है। सपोजिटरी के बारे में आपको बता दूं, सपोजिटरी इज द सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। और यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, सपोर्टरी जो होती है वो 5 तरह की सपोर्टरी रहती है। हम माउथ बॉडी कैविटीज के लिए सपोर्टरी को डिजाइन करते हैं, एक्सेप्ट माउथ कैविटी, रेक्टल, वजाइनल, यूरिथ्रल, ईयर, नेजल सपोर्टरी, इतने टाइप की सपोर्टरी होती है। तो हर सपोर्टरी का अपना एक स्पेसिफिक शेप होता है। यदि हम देखें रेक्टल सपोर्टरी को देखें, रेक्टल सपोर्टरी क्या होगी, किस टाइप की शेप होती है, कॉनिकल शेप होती है। वजाइनल सपोर्टरी टॉर्पिडो शेप होती है। यूरिथ्रल सपोर्टरी आपकी ब्लड शेप होती है। और ईयर कौन, पेंसिल शेप होती है। करेक्ट आंसर देखिए, फर्स्ट का पी रेक्टल सपोर्टरी है, टॉर्पिडो शेप है। सेकंड का आर कॉनिकल शेप, वजाइनल सपोर्टरी कॉनिकल शेप। यूरेथ्रल सपोर्टरी जो होती है आपकी पेंसिल शेप होती है। और ईयर कौन सपोर्टरी आपकी जो होती है, बुलेट शेप होती है। ध्यान दीजिएगा कैसी होती है, बुलेट शेप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। यहां का कुछ स्पेसिफिकेशन है रेक्टल सपोर्टरी का। साइज अगर हम देखें, रेक्टल सपोर्टरी को हम सपोर्टरी के नाम से जानते हैं, वजाइनल सपोर्टरी को हम पैसेरिस के नाम से जानते हैं, और यूरेथ्रल सपोर्टरी को हम बगीज के नाम से जानते हैं, जबकि नेजल सपोर्टरी को हम बगिनेरिया के नाम से जानते हैं। ईयर कौन को, ऑरिनेरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं साइज ऑफ सपोर्टरी। एडल्ट का 2 ग्राम, चिल्ड्रन का 1 ग्राम। टॉर्पिडो शेप होती है। साइज ऑफ सपोर्टरी में देखें वजाइनल के लिए, वजाइनल टैप इसमें 3 to 5 ग्राम और कॉनिकल शेप होती है। यूरेथ्रल सपोर्टरी में देखें, ये मेल के लिए 4 ग्राम, फीमेल के लिए 2 ग्राम। लेंथ इसकी 60 to 75 mm होती है, पेंसिल शेप होती है। नेजल सपोर्टरी वेट 1 ग्राम, लेंथ 9 to 10 cm, सिलेंड्रिकल शेप होती है। ईयर कॉन वेट 1 ग्राम और बुलेट शेप होती है। चलिए फास्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सपोर्टरी। सपोर्टरी आर इंटेंडेड फॉर द इंसर्शन इनटू द वन ऑफ द सेवरल ओरिफाइसेस ऑफ द बॉडी कैविटी एक्सक्लूडिंग माउथ कैविटी। ये ऑप्शन पूरी तरह सही है। वजाइनल सपोर्टरी समटाइम कॉल्ड पैसेरिज, वजाइनल सपोर्टरी का पैसेरिज के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, यूरेथ्रल सपोर्टरी समटाइम कॉल्ड बगीज, बिल्कुल सही है। इमोलिएंट एंड एस्ट्रिंजेंट मे डिस्पर्शन इन सपोर्टरी फॉर्म फॉर ट्रीटिंग लोकल कंडीशन आइदर वजाना रेक्टर और यूरेथ्रल। करेक्ट आंसर डी। सभी के सभी सही है, सारे ऑप्शन, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सारे स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। तो सपोर्टरी जो होती है हमारे बॉडी कैविटी के लिए यूज करते हैं एक्सक्लूडिंग माउथ। दूसरा, वजाना सपोर्टरी को हम पैसेरिस के नाम से जानते हैं, यूरेथ्रल को हम बगीज के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द मस्सू पोल अ बेस व्हिच मे बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टरी एक्सेप्ट। सभी के सभी एडवांटेज है एक को छोड़कर, क्या होगा आंसर बेटा, एक को छोड़कर सभी के सभी एडवांटेज है। सबसे पहले ऑप्शन ए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट अल्टर ऑन ओवर हीटिंग। ये इसका एडवांटेज है। इट अब्सॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस लिक्विड, ये भी इसका एडवांटेज होता है। डी ऑप्शन पर चलते हैं। प्री लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड इज नॉट नेसेसरी, प्री लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड इज नॉट नेसेसरी, ये भी बात बिल्कुल सही है। इट इज सॉलिडिफाइड स्लोली, ये थोड़ा गलत हो रहा है, ये इमीडिएटली सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है ना, इट इज सॉलिडिफाइड रैपिडली। सब बाद बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, बाद बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक ऑप्शन को छोड़कर। इट इज सॉलिडिफाई रैपिडली, हम क्या बोल रहे थे, इट सॉलिडिफाई इस क्वेश्चन में क्या था, स्लोली, लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, रैपिडली हो रहा है। चलिए चूज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर नेजल सपोर्टरी। अभी अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने इससे पहले का शेप के बारे में। अभी देखिए कुछ स्पेसिफिकेशन नेजल सपोर्टरी के आ गए, वो हमें फटाफट देखने हैं।
इट्स एडल्ट डोज इज 2 ग्राम एंड चिल्ड्रन डोज इज 1 ग्राम, ये सही नहीं है। इट्स वेट ऑफ, क्योंकि चिल्ड्रन अडल्ट और चिल्ड्रन के लिए ऐसा अलग अलग स्पेसिफिकेशन नहीं होता। इट्स वेट फॉर मेल इज 4 ग्राम एंड फीमेल ऐसा नहीं होता, नेज दोनों की एक जैसी होती है, मेल फीमेल की। इट्स वेट 1 ग्राम एंड लेंथ 9 to 10 सेंटीमीटर, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फिर भी डी ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। इट्स वेट फॉर मेल इज 3 ग्राम एंड फॉर फीमेल इज 2 ग्राम, ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट स्पेसिफिकेशन क्या हो रहा है बेटा जी, सी, क्या हो रहा है सी। चलिए ये डिस्क्रिप्शन हम लोग कर चुके हैं, फास्ट चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज अ रीजन। ध्यान दीजिएगा बेटा, असर्शन रीजन के क्वेश्चन थोड़े टफ लगते हैं लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन टू दी सपोजिटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज टू दी रेक्टल रूट, रेक्टल रूट में हम सपोजिटरी को अप्लाई कर रहे हैं, विच बाईपास दी फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म। हाँ सही भी है और नहीं भी, क्योंकि सेमी बाईपास होता है तो, लेकिन अभी बोला नहीं गया, अभी बोल दिया हमने कि बाईपास होती है। रीजन पर जाते हैं, द ड्रग पासेस थ्रू लोअर एंड मिडिल हीमोरॉइडल वेन गोज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। हाँ लोअर और मिडिल हीमोरॉइडल वेन जो होती है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसमें जाती है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में यदि जा रहा है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करेगी, याद रखना। और लेकिन अपर हिमोरॉइडल वेन में जाएगा तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फील करेगी। तो कहने का मतलब है कि आपकी आपकी जो जो आपकी रेक्टल रूट होता है वो सेमी बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, सेमी बाईपास मतलब कुछ पार्ट बाईपास हो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से और कुछ पार्ट ड्रग का फील करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। यहां पर देखिए थ्री वेन्स, लोअर हेमोरॉइडल और मिडिल हेमोरॉइडल, लोअर और मिडिल ड्रेन डायरेक्टली इनटू द जनरल सर्कुलेशन, तो मतलब यहां पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। लेकिन जो ड्रग अपर हेमोरॉइडल से वेन होगी तो ये पोर्टल वेन में जाएगी और पोर्टल वेन में यदि जा रही है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की संभावना पूरी पूरी है। यस आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थियोब्रोमा ऑयल। चलिए देखते हैं, थियोब्रोमा ऑयल को याद करते हैं, ये सपोजिटरी को यूज किया जाने वाला ओलियोजिनस बेस होता है। सपोजिटरी को यूज किया जाने वाला क्या होता है, ओलियोजिनस बेस होता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिन शो करता है, क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिन। इट इज वाइडली यूज फॉर रेक्टल सपोजिटरी, करेक्ट बात है बिल्कुल एकदम से। इट इज इंप्रूव बाय एडिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। इट इज वाइडली यूज फॉर द रेक्टल सपोजिटरी, इट्स बीटा फॉर्म इज हाईली अनस्टेबल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोकोआ बटर इज 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पॉलीमर्फ गामा फॉर्म इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा आंसर पर मत जाइएगा, ध्यान दीजिएगा आंसर कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखेंगे ए बिल्कुल, पी बिल्कुल करेक्ट है, आर भी, आर लेकिन क्यू लेकिन गलत है, आर सही है। कोको वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 30 to 35 होता है और पॉलीमर्फ फॉर्म गामा का मेल्टिंग पॉइंट 18 होता है, तो पी आर एस करेक्ट है लेकिन क्यू इनकरेक्ट है, तो क्योंकि इसका बीटा फॉर्म बोल रहा है कि हाईली अनस्टेबल होता है, नहीं बीटा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ ऑइंटमेंट, एडवांटेज ऑफ ऑइंटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हैंडलिंग इज कंपेरेटिवली इजियर देन बल्की लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी हैंडलिंग जो लिक्विड डोजेस फॉर्म की कंपैरिजन में अच्छी होती है। केमिकल स्टेबिलिटी इज मोर देन लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये भी बात बिल्कुल सही है, जो ज्यादा लिक्विड होगा जो ज्यादा फ्लूडाइज्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। दे आर लेस बल्की एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म, नहीं सॉलिड डोजेस फॉर्म तो बहुत कम बल्की होते हैं, बल्की मतलब एक तरीके से उसको हैंडल करने में डिफिकल्टी आती है, सॉलिड डोजेस फॉर्म को तो आसानी से हैंडल कर सकते हैं, तो ये आर ऑप्शन गलत सा है। दे आर सुटेबल फॉर पेशेंट सेंसिटिव टू द पेरेंटल एंड ओरल रूट, ये बात बिल्कुल सही है कि हम इस रूट को फॉलो कब करेंगे, इस टाइप के डोजेस फॉर्म को कभी फॉलो करेंगे जब पेरेंटल डोजेस फॉर्म काम नहीं करेंगे, तो इस टाइप के या फिर ओरल रूट काम नहीं करेगा, तो इसलिए एस भी सही है। तो पी पी क्यू एस
ठीक है ना, पी क्यू एस आर करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अब्सॉर्प्शन, इमल्सिफेबल ऑइंटमेंट बेस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें बोला गया है ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अब्सॉर्प्शन इमल्सिफेबल ऑइंटमेंट बेसिस एक्सेप्ट, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर ध्यान दीजिएगा बेटा, एक को छोड़कर। तो यहां पर एनाडस लेनोलिन, वूल फैट, बीज वैक्स, व्हाइट मिनरल लॉक्स, लेनोलिन, वूल फैट और बीज वैक्स, ये साथ में क्या आते हैं आपके, अब्जॉर्प्शन बेस आते हैं। क्या आते हैं? अब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं, तो मतलब ये इमल्सिफिएबल बेस है। लेकिन व्हाइट मिनरल बेस, व्हाइट मिनरल ऑयल जो होता है, व्हाइट मिनरल ऑयल जो होता है वो ओलियाजीनस बेस में आता है। किस में आता है बेटा? ओलियाजीनस बेस में, ध्यान दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओलियाजीनस बेस। तो इसका ओलियाजीनस बेस में कौन कौन से आते हैं? पेट्रोलेटम, जिसको सॉफ्ट पैराफिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सॉफ्ट पैराफिन। दूसरा आता है हार्ड पैराफिन, जिसको पैराफिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन जिसको लिक्विड पेट्रोलेटम के नाम से जानते हैं। उसके बाद व्हाइट मिनरल ऑयल भी इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन में यही था, यही था, हम पूछ रहे थे अब्जॉर्प्शन, लेकिन वो क्या था? ओलियाजीनस। यस, विटफील्ड ऑइंटमेंट इज द प्रिपेयर्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। विटफील्ड ऑइंटमेंट जो होता है किस मेथड से करते हैं? सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ऑइंटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं वो चार मेथड से प्रिपेयर करते हैं, फ्यूजन मेथड, मेथड ट्राइचुरेशन मेथड, केमिकल मेथड और इमल्सिफिकेशन मेथड। इनमें से फ्यूजन, ट्राइचुरेशन और केमिकल रिएक्शन, ये आपकी इंपॉर्टेंट मेथड है, पॉपुलर मेथड है। तो यहां पर जो विटफील्ड ऑइंटमेंट जो यूज बनाते हैं, किससे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, आंसर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा, कौन सी मेथड? ट्राइचुरेशन मेथड। विटफील्ड ऑइंटमेंट किससे बनाते हैं? ट्राइचुरेशन मेथड। तो यहां पर देखेंगे फ्यूजन मेथड में हम क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर यूज करते हैं। जो भी आपका मटेरियल होता है ऑइंटमेंट मटेरियल, जिससे आपको ऑइंटमेंट बनाना है, उसको हम क्या कर लेते हैं? मेल्ट कर लेते हैं और उसमें ड्रग को ऐड कर देते हैं और फिर उसको क्या कर लेते हैं? हम लोअर टेम्परेचर पर ले जाकर सॉलिडिफाई कर लेते हैं। ये फ्यूजन मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्राइचुरेशन मेथड में टेम्परेचर नहीं देते, हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, इससे मटेरियल आपका टूटता है और ऑइंटमेंट कंसिस्टेंसी आ जाती है। नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन, ये आयोडीन ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्राइचुरेशन जो मेथड होती है वो आपका विटफील्ड ऑइंटमेंट के लिए यूज करते हैं, जबकि फ्यूजन मेथड सिंपल ऑइंटमेंट के लिए यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर विटफील्ड ऑइंटमेंट का जो कंपोजिशन होता है, बेंजोइक एसिड और इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। विटफील्ड ऑइंटमेंट को हम कंपाउंड बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट, बीपीसी के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड अबाउट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ओलियाजीनस बेस ऑफ ऑइंटमेंट। रीड अबाउट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ओलियाजीनस बेस ऑफ ऑइंटमेंट। ओलियाजीनस याद रखना, चार टाइप के बेस होते हैं, ओलियाजीनस, अब्जॉर्प्शन, वाटर मिसिबल और वाटर सोलिबल। तो हम ओलियाजीनस फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें, दीज बेस आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अरे ओलियाजीनस होते हैं तो हाइड्रोफिलिक कैसे हो जाएंगे? तो पी तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ओलियाजीनस बेस प्रोवाइड इमोल्यूएंट प्रॉपर्टी। हाँ, जो ऑयली नेचर का होता है, जो ऑयली नेचर का होता है वो इमोल्यूएंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो क्यू तो करेक्ट है। आर बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलेटम और व्हाइट मिनरल ऑयल आर द टाइप ऑफ ओलियाजीनस बेस। हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, दो तीन क्वेश्चन पहले, लिक्विड पेट्रोलेटम या फिर व्हाइट मिनरल ऑयल इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये आर भी सही हो गया। दे कैन बी यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टाइल ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है। तो आप अगर देखें क्यू आर, तो क्यू आर एस बिल्कुल करेक्ट है। क्यू आर एस कहां पर है? इस ऑप्शन में दिया आर एस क्यू आर करेक्ट बट पी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी लोजेंजेस। लोजेंजेस और ट्रोचेस, बच्चों को कंफ्यूजन होता है ट्रोचेस लोजेंजेस क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगा ट्रोचेस लोजेंजेस के बारे में। ट्रोचेस लोजेंजेस क्या होती है? एक ऐसी टेबलेट्स होती हैं जो कि माउथ कैविटी के लिए डिजाइन की जाती हैं। इनमें डिसइंटीग्रेंट नहीं होता और हैवी कंप्रेशन से बनाई जाती हैं। इनमें बाइंडर का अमाउंट ज्यादा डाला जाता है क्योंकि इसमें ड्रग का रिलीज क्या होता है, बहुत स्लो स्लो होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रोचेस लोजेंजेस जो होते हैं वो हाई कंप्रेशन मेथड से बनाई जाती हैं और इनमें बाइंडर का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है ताकि स्लो रिलीज होता रहे। ये स्पेशली हमारे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए या माउथ इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं ट्रोचेस और लोजेंजेस। चलिए इनके बारे में बात करते हैं, उनमें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं होता। चलिए, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। डिसइंटीग्रेशन होता ही नहीं है। टैबलेट दैट आर मीन टू डिसॉल्व स्लोली इन द माउथ एंड रिलीज द ड्रग टू बी
एडजॉर्ब इन सलाइवा, बात सही है बिल्कुल, क्यू तो बिल्कुल करेक्ट है। फिल्म ऑफ पॉलीमर टू इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड मास्क द टेस्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है। फिल्म ऑफ द पॉलीमर टू इंप्रूव द अपीयरेंस, फिल्म अगर पॉलीमरिक फिल्म इस पे यूज करोगे तो अपीयरेंस नहीं बढ़ती, अपीयरेंस नहीं बढ़ती लोजेंजेस की, फिल्म से हमेशा अपीयरेंस डाउन हो जाती है। दीज आर यूज एज अ लोकल मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। चलिए तो आंसर क्या होगा, क्यू एस, क्यू और एस दोनों करेक्ट है। क्यू एस क्या बोल रहे हैं कि लोकल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, स्लोली डिजोल्व होती है, डिसइंटीग्रेट होती नहीं है, और पॉलीमरिक फिल्म यूज करें तो उसकी अपीयरेंस नहीं बढ़ती, इसलिए क्यू एंड एस आर करेक्ट बट पी एंड आर इनकरेक्ट। एक और बात बता दूं, ट्रोचेस और लोजेंजेस में डिफरेंस, ट्रोचेस जो होती है वो कंप्रेशन से बनती है और लोजेंजेस जो होती है वो आपके मोल्डिंग से बनती है। द अमाउंट ऑफ KOH दैट वुड न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड यूज टू एसिटाइलेटेड 1 ग्राम ऑफ फैट, इसको क्या बोलते हैं, KOH, KOH है द अमाउंट ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोक्सिल वैल्यू के बारे में बता रहा होगा, किसके बारे में बता रहा होगा, हाइड्रोक्सिल वैल्यू के बारे में बता रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ KOH दैट वुड न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड यूज्ड टू एसिटाइलेटेड 1 ग्राम ऑफ फैट, ए हाइड्रोक्सिल वैल्यू, बी सपोनिफिकेशन वैल्यू, सी वाटर नंबर, डी एसिड वैल्यू, क्या होगा बेटा जी करेक्ट आंसर, एस हाइड्रोक्सिल वैल्यू। यहां पर देखिए डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिकेशन आपके दिए गए हैं, हाइड्रोक्सिल वैल्यू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड यूज टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट। सपोनिफिकेशन वैल्यू, सपोनिफिकेशन होगा, सपोनिफिकेशन किसका होगा, द अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड एंड सपोनिफाई द एस्टर कंटेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट। उसके बाद आयोडीन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ फैट और अदर अनसैचुरेटेड मटेरियल। वाटर नंबर, द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन 100 ग्राम ऑफ फैट। एसिड वैल्यू, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहां पर एसिटिक एसिड है इसलिए याद रखना, एसिटिक एसिड से याद रखना इसको। अब देखते हैं मैच दी कॉलम है, मैच द फॉलोइंग टैबलेट कोटिंग एंड देयर पर्पजेस, सुगर कोटिंग, सब कोटिंग, पॉलिशिंग, प्रिंटिंग। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को मैं यहीं से सॉल्व करा देता हूं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए शुगर कोटिंग, शुगर कोटिंग क्या करती है, देखिए प्रिंटिंग क्या करती है, प्रिंटिंग तो ये हो गया पी, सब कोटिंग क्या करती है, राउंड द एजेस, ठीक है, और क्या हो गया शुगर कोटिंग, ठीक है ना, सील कोटिंग तो है नहीं है इसमें, पॉलिशिंग क्या हो गया थर्ड इसका। चलिए करेक्ट आंसर पर बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर क्या है इसका, फर्स्ट का क्यू, देखिए ध्यान दीजिएगा फर्स्ट का क्यू, फर्स्ट क्यू शुगर कोटिंग टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टैबलेट कोर। देखिए यहां पर शुगर कोटिंग नहीं है एक्चुअल वास्तविकता में, यहां पर क्या है शुगर कोटिंग नहीं, यहां पर है आपका सील कोटिंग, ध्यान दीजिएगा क्या है सील कोटिंग, ये मैं थोड़ा करेक्ट करवा रहा हूं, यहां पर मिसप्रिंट हो गया, क्या है सील कोटिंग, क्या बेटा सील कोटिंग, नहीं 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 कहते बेटा, नहीं कहते यहां पर सील कोटिंग, तो सील कोटिंग टू प्रिवेंट द मॉइस्चर टू पेनिट्रेट द टैबलेट। दूसरा आपका सब कोटिंग, सब कोटिंग राउंड द टैबलेट, सेकंड का आर, पॉलिशिंग, पॉलिशिंग क्या होगी प्रोवाइड द डिजायर लस्टर, थर्ड का एस देखिए, और प्रिंटिंग टू द सरफेस ऑफ टैबलेट इज डन बाय रोटोग्रेवर। ठीक है मैंने करेक्ट करा दिया, ठीक है करेक्ट करा दिया, क्वेश्चन में मिस्टेक थी। चलिए विस्कस इमल्शन ऑफ द सेमी सॉलिड, विस्कस इमल्शन ऑफ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन टू द स्किन, कौन सा, देखिए क्वेश्चन पूछा गया विस्कस इमल्शन, विस्कस इमल्शन ऑफ सेमी सॉलिड, इमल्शन है और सेमी सॉलिड नेचर का है, तो इसमें बेस्ट आंसर क्या हो सकता है बेटा जी, बेस्ट आंसर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है क्या है आंसर, क्रीम्स, करेक्ट आंसर क्या है, क्रीम्स, क्रीम ही विस्कस इमल्शन होते हैं। ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड ग्रेसी प्रिपरेशन रहती है, क्रीम्स क्या होती है विस्कस इमल्शन ऑफ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, पेस्ट क्या होती है जनरली थिक एंड स्टिफ कंटेंट हाई परसेंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, जेल क्या होते हैं सेमी सॉलिड डिस्पर्शन सिस्टम होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन के कंपोनेंट्स के बारे में, तो यहां पर देखिएगा यहां से फिर मैच दी कॉलम है,
हम करेंगे कलर पिगमेंट, कौन सा कलर पिगमेंट हम यूज करेंगे इसमें, कलर पिगमेंट, पिगमेंट कौन सा है इसमें, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फ्लेवर कौन से है, इथाइल वेनिलिन, एंटी केकिंग एजेंट, एंटी केकिंग एजेंट क्या है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और आपका बफर क्या है सोडियम फॉस्फेट। तो क्या बनती है थीम, क्या बनती है, फर्स्ट का आर, फर्स्ट का आर किसमें, इसमें है फर्स्ट का आर, सेकंड का पी इथाइल वेनिलिन इसमें एंटी केकिंग, थर्ड, थर्ड का एस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फोर्थ का क्यू, ये आ गया फोर्थ का क्यू सोडियम फॉस्फेट। करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, करेक्ट आंसर भी हमारे अकॉर्डिंग सी ही है। आया समझ में? यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यस वेरी गुड, ज्यादातर लोगों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इसमें वाटर जो प्रिजर्वेटिव है, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बीएचए, ईडीटीए, सोडियम बेंजोएट एटसेट्रा, सॉल्वेंट पोलर नॉन पोलर दोनों यूज करते हैं, कलर पिगमेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फ्लेवर इथाइल वेनिलिन, एंटी केकिंग एजेंट सिल्वन डाइऑक्साइड, ह्यूमेक्टेंट पॉलीवॉल, बफर सोडियम फॉस्फेट हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट विटफील्ड ऑइंटमेंट के बारे में दोबारा आ गए। विटफील्ड ऑइंटमेंट कंटेन मैन एपीआई इंटीग्रेटेड, ये क्वेश्चन जब मैंने आपको कराया था उस समय इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, आप बताइएगा क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा, बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, मैंने आपको बता दिया था बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा विटफील्ड ऑइंटमेंट के बारे में, ये किस मेथड से बनाते हैं हम, पहली चीज, तो पहली चीज किस मेथड से बनाते हैं, ये आपका ट्राइजोलेशन मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, और यहां पर देखें कि 2% बेंजोइक एसिड और 1% सैलिसिलिक एसिड होता है, 2% बेंजोइक एसिड 1% सैलिसिलिक एसिड होता है। अब आते हैं अपॉन स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं। अपॉन स्टैंडिंग समटाइम जेल सिस्टम श्रिंक्स अ बिट एंड लिटिल लिक्विड इज प्रेस्ड आउट, व्हाट इज द फिनोमेना कॉल्ड, ऊजिंग, सिंथेसिस, श्रिंकेज और डिसॉल्व। बच्चों ने क्या लगा दी, ऊजिंग, ऊजिंग का मतलब वाटर का स्क्वीज आउट होना, ऊजिंग कहलाता है, श्रिंकेज, श्रिंकेज भी हो सकता है, ऊजिंग आउट होने के बाद श्रिंक हो जाएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी फिनोमेना है, उस फिनोमेना को पर्टिकुलरली एक नाम देते हैं, उस फिनोमेना को पर्टिकुलर नाम देते हैं, जो पॉलीमर मॉलिक्यूल होते हैं जेल में वो क्या करते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है वाटर बाहर निकल जाता है, स्क्वीज आउट हो जाता है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम सिनरेसिस, क्या बोलते हैं बेटा सिनरेसिस। तो यहां पर कुछ वर्ड है जो जेल से रिलेटेड होते हैं, पहला होता है इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन का मतलब होता है कि वाटर अब्सॉर्प्शन तो करना है, वाटर का अब्सॉर्प्शन तो करना है, लेकिन क्या करना है कि इसमें वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होता, उसको बोलते हैं इम्बाइबेशन। स्वेलिंग में क्या होता है वाटर अपटेक करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है, और सिनरेसिस में क्या होता है रिमूव आउट ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो उसका वाटर रहता है, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम का जो वाटर डिस्पर्शन मीडियम रहता है उसकी आउट हो जाता है, जेल का जो वाटर है उसकी आउट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एडिटिव यूज इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए डिफरेंट टाइप के आपके जो कंपोनेंट है टैबलेट मटेरियल टैबलेट को बनाने के लिए वो आपके दिए गए हैं, तो आप देखिएगा इसमें क्या आंसर होता है। पी ऑप्शन बोल रहा है लुब्रिकेंट रिड्यूस द फ्रिक्शन, रिड्यूस द फ्रिक्शन, ऑप्शन पी बोल रहा है लुब्रिकेंट रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट इजेक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ द टैबलेट एंड द वॉल ऑफ द डाई कैविटी। बिल्कुल सही है, लुब्रिकेंट की डेफिनेशन भी यही थी। एंटी एडहेरेंट के बारे में प्रिवेंट द एडहेशन ऑफ द टैबलेट ग्रैनुल टू द फेसेस ऑफ पंचेस, ये भी डेफिनेशन थी, हम लोगों ने देखा था एंटी एडहेरेंट की डेफिनेशन। ग्लाइडेंट प्रमोट द फ्लो ऑफ टैबलेट ग्रैनुलेशन ऑफ पाउडर मटेरियल टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, और बाइंडर क्या करता है टू प्रमोट द कोहेसिवनेस। तो हम उसके हिसाब से देखें ये लुब्रिकेंट की डेफिनेशन करेक्ट है, एंटी एडहेरेंट की भी करेक्ट है, ग्लाइडेंट की भी करेक्ट है, और बाइंडर की भी करेक्ट है। तो यहां पर देखेंगे सभी की डेफिनेशन करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट, क्या हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी जेल, जेल के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा एक एक करके इसके सही और गलत को निकालेंगे हम। लिक्विड फेज इज कंस्ट्रेंड विद इन अ थ्री डायमेंशनल पॉलीमेरिक मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है, लिक्विड फेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स, बिल्कुल एकदम से करेक्ट करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर देखेंगे लिक्विड बेस इज कंस्ट्रक्टेड विद इन अ थ्री डायमेंशनल पॉलीमेरिक मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। दूसरा कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड फ्लोरोनेक्स, ठीक है, इज अ एग्जाम्पल ऑफ जेलिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। आर पर चलते हैं, स्वेलिंग टेकिंग अप फॉर लिक्विड बाय अ जेल विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम, स्वेलिंग में तो इनक्रीज होता है, डिक्रीज थोड़ी सी होता है, तो आर गलत है। थिक्सोट्रॉपी रिवर्सिबल चेंज जेल टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ नो चेंज इन वॉल्यूम और टेम्परेचर, नो चेंज इन वॉल्यूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, थिक्सोट्रॉपी की डेफिनेशन भी ये है। तो हम अगर देखें क्वेश्चन को देखें, पी हमारे लिए करेक्ट है, क्यू भी करेक्ट है, लेकिन स्वेलिंग ये वाला, स्वेलिंग वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो पी क्यू आर करेक्ट बट एस इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। सॉरी पी क्यू एस करेक्ट है, पी क्यू एस आंसर ए होगा, मैंने अब वो तो ऑप्शन गलत बोल दिया लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट दिया है, पी एस आंसर क्या होगा, ए पी एस क्यू। मैच दी फॉलोइंग टैबलेट, ठीक है ना, मैच दी, अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा, चलिए आगे से ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन अच्छे से लिखे। मैच दी फॉलोइंग टैबलेट्स, कैपिंग, कैपिंग का मतलब, कैपिंग का मतलब लेमिनेशन का मतलब, स्टिंकिंग का मतलब, पिकिंग का मतलब, ये प्रॉब्लम्स है, टैबलेट्स के डिफेक्ट्स हैं, उनको हम मैच करना है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कॉज क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम कैपिंग के बारे में देख, कैपिंग का मतलब होता है द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम क्राउन, तो फर्स्ट क्यू। लेमिनेशन, लेमिनेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इंटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, ये हो जाएगा आर। स्टिकिंग, स्टिकिंग का मतलब होता है व्हेन 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 पंच टिप्स हैव इनग्रेविंग और इम्बॉसिंग देन मटेरियल स्टिक ऑन दैट। पिकिंग, टैबलेट मटेरियल अडेरेंट टू द डाई वॉल, तो यदि इसके साथ दे देंगे फर्स्ट का क्यू, फर्स्ट का क्यू किसमें दिया, इसमें और इसमें। सेकंड का, सेकंड का क्या है, आर, सेकंड का आर इसमें दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बाद बाकी तो देख लीजिए। थर्ड का, थर्ड का क्या है आपका, फर्स्ट का क्यू, फर्स्ट का क्यू, सेकंड का, सेकंड का आर, ठीक है, थर्ड स्टिकिंग एस, ठीक है। चलिए तो स्टिकिंग का मतलब क्या होता है, स्टिक मतलब मटेरियल डाई वॉल के ऊपर जाकर चिपक जाए, उसको बोलते हैं स्टिकिंग। और पिकिंग का मतलब क्या होता है कि मटेरियल अडेयर ऑन टू दी पंच फेसेस, मटेरियल अडेयर ऑन टू दी पंच फेसेस, क्लियर। ठीक है, पिकिंग से याद रखना, पी फॉर पिक और पी फॉर पंच, याद रखिएगा इसको। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कैपिंग का मतलब होता है द पार्शियल पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम क्राउन। लेमिनेशन का मतलब द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। स्टिंग का मतलब, स्टिकिंग का मतलब टैबलेट मटेरियल अडेयर टू द डाई वॉल। और पिकिंग व्हेन पंच टिप्स हैव इनग्रेविंग और एम्बॉसिंग। चलिए Which of the following is correct regarding the effervescent tablet? Effervescent tablet के लिए देखते हैं, किसके लिए देखें, effervescent tablet के लिए, ठीक। तो यहां पर देखिएगा rapidly disintegrate and produce either a drug suspension or aqueous solution, बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। The disintegration of the tablet is due to the chemical reaction between the inorganic acid and salt in the presence of water, नहीं, इसमें CO2 के कारण, ठीक है, और CO2 कारण होता है, बिल्कुल सही है। टैबलेट आर टू बी होल्ड विद इन ओरल कैविटी एंड द ड्रग स्लोली डिसॉल्व एंड आर दी अब्सॉर्ब अक्रॉस दी ओरल म्यूकोसा एंड प्रोवाइड सिस्टेमिक इफेक्ट, नहीं। ये एफर्वेसेंट टैबलेट क्या होती है आपकी, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन होती है, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन होती है, जो कि हम इसको हम निगलते हैं, स्वालो करते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं, वाटर के साथ लेते हैं, इनटेक करते हैं, माउथ कैविटी में नहीं रखते इसको। The evolution of carbon dioxide from it, this reaction result in tablet disintegration. बिल्कुल करेक्ट है, आंसर पर चलते हैं, करेक्ट आंसर क्या बोल रहा है, करेक्ट आंसर तीन ऑप्शन करेक्ट है, पी करेक्ट है, क्यू करेक्ट है, कैपिंग
केमिकल इसमें जो CO2 प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिक एसिड और सॉल्ट के बीच में रिएक्शन के कारण होती है, लेकिन ये आर जो ऑप्शन है वो गलत है। आर ऑप्शन का मतलब होता है, ये आर अगर सही किस केस में होता तब टैबलेट, हम टैबलेट यूज टू प्रिपेयर फॉर दी माउथ कैविटी, उसके लिए आर ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन अभी ये ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा अभी ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए करेक्ट। मैच दी फॉलोइंग टाइप ऑफ टैबलेट कैप्सूल एंड देयर डिसइंटीग्रेशन टाइम, तो ध्यान दीजिएगा डिसइंटीग्रेशन टाइम मैं एक बार रिकॉल करूंगा आपको सारे के सारे, जो आपका सिंपल कंप्रेस टैबलेट का 15 15 टू 30 मिनट होता है, आपका जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है उसका 180 मिनट्स होता है, इफर्वेसेंट टैबलेट का less than 5 मिनट होता है, डिस्पर्सिबल टैबलेट का less than 3 मिनट होता है, और वेजेनेट टैबलेट का 15 टू 30 मिनट्स होता है, शुगर कोटेड टैबलेट होती है उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो 60 मिनट होता है, और फिल्म कोटेड टैबलेट का कितना होता है 30 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा यहां से हम आंसर निकालते हैं, यहां से हम आंसर निकालते हैं इफरवेसेंट टैबलेट, यहां पर देखिएगा इफरवेसेंट टैबलेट का जो टाइम निकलेगा इफरवेसेंट टैबलेट का 2 टू 3 मिनट्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का कितना 30 मिनट्स, शुगर कोटेड टैबलेट का 60 मिनट, और एंटेरिक कोटेड टैबलेट का 2 टू 3 आवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट का आर इसमें है, सेकंड का पी, फर्स्ट का आर, सेकंड का पी, थर्ड थर्ड का एस और फोर्थ का क्यू, ये आ गया करेक्ट आंसर, क्या होगा, बी बॉम्बे। सपोज आफ्टर वेट वेइंग ऑफ 10 टैबलेट द एवरेज वेट ऑफ द टैबलेट कम्स टू 250 ग्राम, 250 mg, देन व्हाट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिफरेंस विल बी अलाउड। यहां पर हम, ये आपका वेट वेरिएशन टेस्ट से लिया गया क्वेश्चन है, यहां पर हम देखेंगे वेट वेरिएशन के लिए करने के लिए हमें तीन लिमिट्स रखते हैं, तीन तरह से टैबलेट्स को इसमें क्लासिफाइड किया गया है, ऐसी टैबलेट जिनका वेट कम होता है उनके लिए परसेंटेज अलाउंस ज्यादा होती है, ऐसी टैबलेट जिनका वेट ज्यादा होता है उनकी परसेंटेज अलाउंस कम होती है, और ऐसी टैबलेट जिनका वेट मिडिल का होता है, मतलब मिडिल साइज की टैबलेट होती है उनकी अलाउंस मिडिल टाइप की होती है। तो जिसका टैबलेट का जो टैबलेट का साइज ज्यादा होता है उसकी अलाउंस क्या होती है, ±5%, और जिनका कम होता है वेट कम होता है उनकी अलाउंस कितनी होती है, ओनली ±10%, जबकि मिडिल वाली का ±7.5%। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अकॉर्डिंग टू आईपी और अकॉर्डिंग टू यूएसपी हमने टैबलेट्स को तरह तरह से क्लासिफाइड किया है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, लेकिन अभी हम आंसर देख लेते हैं कितना 7.5% आंसर होगा, क्योंकि ये मिडिल टाइप की टैबलेट है। यहां पर देखेंगे ऐसी आईपी के अकॉर्डिंग, ऐसी टैबलेट जिसका वेट less than 85 mg है, उसको ±10% वेरिएशन कंसिडरेबल रहता है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 250 mg, मतलब ये 85 टू 250 mg की जो रेंज दी गई है वो मिडिल टाइप की टैबलेट भी दी गई है जिसका वेट वेरिएशन ±7.5% है, और उसके बाद ग्रेटर देन 250, 250 mg से ज्यादा की ±5% का वेरिएशन कंसिडरेबल होता है। यूएसपी के अकॉर्डिंग जो स्मॉलर साइज की टैबलेट होती है इसका वे 130 mg या उससे कम होता है, जबकि मिडिल साइज की टैबलेट का वेट 130 mg से 324 mg का होता है, और ग्रेटर जो लार्ज साइज की टैबलेट होती है उसका वेट 324 mg से ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 384 पर चलते हैं, हमारी जो सीरीज है उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से डले हुए हैं, वन से लेकर चलेगा सीधा सीधा, 384 नंबर का क्वेश्चन है हमारी मैराथन सीरीज का। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ अपरेटस एंड देयर नेम, ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं तो बहुत आसानी होगी इस क्वेश्चन को मिलाने में, चलिए मिलाते हैं इस क्वेश्चन के मैच द कॉलम। टाइप वन, टाइप वन को देखते हैं, टाइप वन क्या होगा, टाइप वन आपका देखिए रोटेटिंग रोटेटिंग पेडल टाइप, अब इसमें ये मेंशन नहीं है कहीं पर भी मेंशन नहीं कि आईपी है यूएसपी है, तो हम किसको फॉलो करेंगे, आईपी को फॉलो करेंगे। टाइप वन पेडल टाइप ऑपरेटर्स, टाइप टू रोटेटिंग बास्केट, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये और हो सकती है, चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखेंगे आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्वेश्चन हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें कंसेप्ट से मतलब है। तो टाइप वन पेडल पेडल टाइप और टाइप टू रोटेटिंग बास्केट, उसके बाद चलते हैं टाइप थ्री, टाइप थ्री मतलब होता है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, और टाइप फोर होता है फ्लो थ्रू सेल। तो फर्स्ट फर्स्ट का पी कहां पर दिया हुआ है, दो जगह दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, सेकंड का आर इधर भी दिया हुआ है, इधर भी, थर्ड का क्यू ये इधर दिया गया है, और फोर्थ का एस, फोर्थ का एस, फोर्थ का क्या,
एक्चुअल में यूएसपी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देखना पड़ेगा मैं, क्योंकि यूएसपी के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देखना पड़ेगा। चलिए यूएसपी के अकॉर्डिंग देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यूएसपी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं आंसर, चलिए यूएसपी के अकॉर्डिंग चलते हैं, यूएसपी के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। तो टाइप वन होगा रोटेटिंग बास्केट, टाइप टू होगा पेडल टाइप ऑपरेटस, टाइप थ्री होगा कौन सा रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, और टाइप फोर आपका फ्लो थ्रू सेल। तो देखिए फर्स्ट का एस सेकंड का पी, फर्स्ट का एस सेकंड का पी, थर्ड का क्यू और फोर्थ का आर, करेक्ट आंसर डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, डी बेटा यूएसपी के अकॉर्डिंग ही चले हम। वैसे अगर एक क्वेश्चन देखिए पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसमें आईपी को कंसीडर नहीं किया, अभी अगर आईपी के हिसाब से कंसीडर करते तो क्या होता, इसका आंसर बदल जाता। चलिए टैबलेट्स एबिलिटी टू रजिस्ट एबरेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग इज इंडिकेटेड बाय इट्स डिसइंडिकेशन टाइम, फ्रैबिलिटी इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड द हाउसनर इंडेक्स। नहीं नहीं बेटा आईपी यूएसपी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आईपी में बेटा आप लेट क्लास ज्वाइन की, आईपी में अभी चार हो चुके हैं, आईपी 2018 में फोर टाइप के डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स हो चुके हैं, कितने टाइप के, फोर टाइप के। ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर देखिए टैबलेट एबिलिटी टू डिटेक्ट ऑपरेशन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बताने के लिए, टैबलेट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम दो टाइप के टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट करते हैं हम कौन सा आपके हार्डनेस टेस्टिंग और दूसरा करते हैं हम फ्रैबिलिटी टेस्टिंग। हार्डनेस टेस्टिंग हालांकि अनऑफिशियल है लेकिन फ्रैबिलिटी टेस्टिंग ऑफिशियल हो गया। फ्रैबिलिटी टेस्टिंग पहले अनऑफिशियल था लेकिन अभी 2007 के बाद से इसको ऑफिशियल कर दिया गया है। फ्रैबिलिटी तो करेक्ट आंसर क्या, फ्रैबिलिटी इंडेक्स। तो यहां पर देखते हैं कि फ्रैबिलिटी क्या क्या होती है, फ्रैबिलिटी टैबलेट का एवोल्यूशन होता है जिसमें हम एबिलिटी चेक करते हैं जो कि अब्रेशन, अब्रेशन मतलब शॉक, ठीक है ना, शॉक लगते हैं उसको, शॉक कब लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो शॉक फील करती है, तो शॉक फील में किसी टाइप का उसमें कैपिंग लेमिनेशन या किसी टाइप का चिपिंग ना आ जाए, उसको हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैबिलिटी टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, फ्रैबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर सुपर डिसइंटीग्रेंट एक्सेप्ट। सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होते हैं, वह कंपाउंड होते हैं, वह सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट जैसे नाम से सुपर कंप्यूटर वैसे ही सुपर डिसइंटीग्रेंट होता है। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होता है, सुपर डिसइंटीग्रेंट वह सब्सटेंस होते हैं, वह कंपाउंड होते हैं जो कि टैबलेट को बहुत तेजी से टैबलेट को क्या कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। स्पेशली इसको हम किसमें यूज करते हैं, ओरो डिस्पर्सिव या माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट में हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए क्रॉस कार्मेलोज, क्रॉस फाबिडॉन, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, सुपर डिसइंटीग्रेंट होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं आपके, सुपर डिसइंटीग्रेंट होते हैं। लेकिन पॉविडॉन बाइंडर के जैसा यूज करते हैं हम इसको, कैसे, बाइंडर के जैसा यूज करते हैं। एक्सेप्ट पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है इन्होंने, एक्सेप्ट पूछा है, क्लियर। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए बहुत तेजी से चल रहे हैं हम लोग, ये देखिए सुपर डिसइंटीग्रेंट क्रॉस कार्मेलोज, इसका जो एग्जांपल होता है क्रॉस लिंक्ड सेलुलोज, ये 4 to 8 टाइम ज्यादा तेजी से स्वेल करता है, प्रोपराइटिनम इसका एक डाइसॉल होता है, क्रॉस पॉविडॉन क्रॉस लिंक्ड पीपीपी होता है, इसको पॉली प्लास्डॉन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट क्रॉस लिंक्ड स्टार्च, इसको प्रीमोजल एक्सप्लोटैब के नाम से मार्केट में हम पाते हैं, जबकि पॉविडॉन सॉल्यूशन वेट ग्रैनुलेशन में हम यूज करते हैं, मतलब ये बाइंडर का काम करता है, किसका काम करता है, बाइंडर का काम करता है, ठीक है। देखिए याद रखना जो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स होती हैं उनके लिए हम सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सुपर डिसइंटीग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुक्रोज। सुक्रोज हम टैबलेट की, सुक्रोज आपको पता है स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं, लेकिन हम वहां पर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में इसको
तरह तरह से यूज करते हैं। उसका सबसे पहला जो पर्पज होता है एज अ बल्किंग एजेंट हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? बल्किंग एजेंट। हालांकि इसका सुक्रोज का हम जो पर्पज होता है वो बाइंडर के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन बल्किंग एजेंट या डाइल्यूएंट की जैसे भी हम यूज करते हैं। तो यहां पर दोनों लिखा हुआ है, इट इज बाइंडर और एज अ बल्किंग एजेंट, बिल्कुल सही है। इसके तीन डेरिवेटिव होते हैं, शुगर के तीन डेरिवेटिव होते हैं जो हम यूज करते हैं टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग से, स्पेशली डायरेक्टली कंप्रेसिबल टेबलेट को बनाने के लिए। शुगर टैब 90 से 93% सुक्रोज, 7 to 10% इनवर्ट शुगर, डाइपैक्स 97% सुक्रोज पर 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रिन, और नूटर में 95% सुक्रोज प्लस 4% इनवर्ट शुगर। करेक्ट कॉम्बिनेशन, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, एकदम से पूरा परफेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल पीक्यूआरएस करेक्ट। चलिए, टैबलेट प्लेस इन बिटवीन द जिंजिवल एंड चीक एरिया नॉन एज, ठीक है ना, ऐसी टैबलेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में, प्राइम की क्लास में और रिवीजन क्लास में ही बताया था, कल ही बताया था, उसमें बताया था कि ऐसी टैबलेट जो कि बक्कल पाउच और गम्स के बीच में रखी जाती है, मतलब बक्कल पाउच में रखी जाती है, चीक्स और गम्स के बीच में, चीक्स और गम के बीच का एरिया जो कहलाता है बक्कल पाउच। बक्कल पाउच कौन सा? लोगों के जहां पर पान खाते हैं वो रखते हैं, गुटखा खाते हैं वो रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बक्कल पाउच। ऐसे उनका मुंह फुला रहता है, उसको बोलते हैं बक्कल पाउच, ठीक है। तो बक्कल पाउच में आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे बक्कल पाउच में, यहाँ पर बक्कल पाउच में क्या यूज करोगे आप? बक्कल टैबलेट यूज करोगे, जबकि सबलिंगुअल टैबलेट ब्रिंटी टंग रखी जाती है, ब्रिंटी टंग, ओके। डेंटल कॉन आपके एक्सट्रैक्टेड टीथ की जो खाली जगह होती है उसमें रखा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बक्कल टैबलेट। चलिए उसके बाद चलते हैं, एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको करता चल रहा हूं साथ में, ठीक है ना, तमाकू वाला एरिया, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद देखें, मैच द फॉलोइंग डिसिंडिकेट एंड देयर प्रोप्राइटरी नेम। अभी हमने देखे थे कुछ, इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें देखा था, प्रोप्राइटरी नेम भी पढ़े थे हम लोगों ने, तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिडोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिडोज जो होता है एमसीसी, वो किस नाम से मिलता है आपको मार्केट में? एबीसेल के नाम से मिलता है, इसको याद रखिएगा, मैंने आपको क्लास में ही बताया था, एबीसेल बहुत ही फेमस होता है। कौन सा होता है? एबीसेल। तो फर्स्ट का क्या हो गया? ये क्वेश्चन आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट का क्या होगा बेटा जी? एबी, अगर देखें हम इसको, फर्स्ट में क्या हो जाएगा देखिए, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में एबीसेल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। फिर उसके बाद सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट अभी हमने देखा था, प्रीमोजेल, किस नाम से? प्रीमोजेल। क्रॉस पॉबिडॉन, क्रॉस पॉबिडॉन जो होता है, ठीक है ना, वो आपका कोलिडॉन के नाम से अवेलेबल है, और मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट बीगम के नाम से अवेलेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका आंसर चलना, फर्स्ट का क्यू, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का क्यू, फर्स्ट मतलब क्यू, ये आ गया आपका एबीसेल। टू, टू मतलब आर, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट प्रीमोजेल, क्रॉस पॉविडॉन, थर्ड पी कोलिडॉन, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट वीगम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, When the age of the tablet break during the press process or during the handling and coating, this defect known as, कौन सा defect है जिसमें tablet के ages break हो जाते हैं, ठीक है ना, break हो जाते हैं, tablet के ages क्या हो जाते हैं बेटा? Break हो जाते हैं, मतलब chips, chips के form में, chips के form, chips मतलब होता है small pieces, तो small pieces मतलब कौन सी problem? देखिए किनारे टूटते हैं, किसमें टूटते हैं? Chipping में टूटते हैं, क्रैकिंग में, इंटरनल स्ट्रेस के कारण पूरी टैबलेट की जो जो कोटिंग रहती है वो स्प्लिट हो जाती है, कैपिंग और लेमिनेशन को अभी आपने देखा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? चिपिंग। क्या होगा करेक्ट आंसर? चिपिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है? स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल इज डोनेटेड बाय द नंबर 0004, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, 0000, 0000 तो सबसे बड़ा होता है, नंबर 5 सबसे छोटा रहता है, तो पी तो गया काम से। सॉर्बिटॉल इज प्रेफर्ड प्लास्टिसाइजर इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये सॉर्बिटॉल आप यूज करेंगे प्लास्टिसाइजर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन कैप्सूल, होता ही यूज, प्रिजर्वेटिव यूज करते ही करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रोटोफिल, रोटोफिल इज अ कैप्सूल फिलिंग मशीन विच हेल्प टू फिल बल्क पाउडर इन द एम्प्टी कैप्सूल। चलिए करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, करेक्ट आंसर क्या है आपका? आपका करेक्ट आंसर क्या है? क्यू और आर एकदम से करेक्ट है, और जबकि रोटोफिल जो होता है आपकी रोटोफिल पैलेट्स को फिल करने के लिए हम यूज करते हैं, पाउडर को फिल करने के लिए यूज नहीं करते रोटोफिल, किसके लिए? पैलेट्स के लिए फिल करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यू और आर करेक्ट है, क्यू और आर सॉर्बिटॉल एज ए यूज होता है कैसे? प्लास्टिसाइजर के लिए,
पैराबेंस यूज होते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए। स्मॉलर साइज का कैप्सूल 5 नंबर का होता है, 5 नंबर का, और रोटोफिल जो होता है आपका पैलेट्स की फिलिंग के लिए हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर, सोडियम क्लोराइड शुड बी फिल्ड इन कैप्सूल, शुड नॉट बी फिल्ड कैप्सूल, सॉरी शुड नॉट बी फिल्ड कैप्सूल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड शुड नॉट बी फिल्ड कैप्सूल, कैप्सूल में सोडियम क्लोराइड को फिल नहीं कर सकते, करेक्ट बात है। ये तो मैंने आपको बताया था, सॉल्ट रहते हैं, जितने भी सॉल्ट रहते हैं उनको हम फिल नहीं करते, ठीक है। उसके पीछे दो कारण रहते हैं, एक तो सॉल्ट इरिटेट कर सकते हैं, दूसरा कारण क्या होता है कि जो सॉल्ट है आपका, ठीक है ना, सॉल्ट जो रहते हैं, जो क्या करते हैं इस टाइप के सोडियम क्लोराइड जो रहते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, जिसके कारण क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण आपका जो सेल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, सेल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड के कारण हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आप इस पर मत जाइएगा, देखिए बेटा इस पर मत जाइएगा, जो लगा हाईलाइटर उस पर मत जाइएगा आंसर, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूं। सोडियम क्लोराइड को फिल नहीं कर सकते, लेकिन सोडियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये सोडियम क्लोराइड जो होता है, इस टाइप के हाइग्रोस्कोपिक जो मटेरियल अगर हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, सेल को हार्ड कर देते हैं, ना कि सॉफ्ट कर देते हैं। तो इसलिए असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, ध्यान दीजिएगा बेटा। नहीं, आंसर नहीं दिया हुआ, देखिए आंसर नहीं है, आंसर ए नहीं है, आंसर ए नहीं है, ठीक है ना, आंसर ये नहीं है। मैं आपको बता दूं, सोडियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक जो डेली क्विसेंट रहते हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और शेल को हार्ड कर देते हैं। लेकिन जो ई फ्लोरोसेंट रहते हैं, कैसे बेटा, जो ई फ्लोरोसेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है। सोडियम क्लोराइड का यूज इस पर्पस के लिए नहीं की जाती है क्योंकि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, जितने भी सॉल्ट रहते हैं इरिटेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो दिख रहा है वो होता नहीं है, जो दिख रहा है वो होता नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोथ नहीं, हाइग्रोस्कोपिक होता है लेकिन अब्सॉर्ब मॉइस्चर, इट सॉफ्टन द सेल, सेल को सॉफ्टन नहीं करता, ये सेल को तो हार्ड करेगा। उसके बाद बात करते हैं, तो असर्शन सही है और रीजन गलत है, ठीक है ना, असर्शन सही है रीजन गलत है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को बिल्कुल एकदम से। मैच द फॉलोइंग मशीन विथ देयर वर्क ड्यूरिंग कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, तो मशीन को ध्यान दीजिए, कौन कौन सी मशीन हम कैसे कैसे काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मशीन को। एसिलाकोटा जो होता है, एसिलाकोटा किसके लिए, कोटिंग के लिए करते हैं, कोटिंग के लिए, यहाँ पर पान पॉलिशिंग के लिए किया जाता है एसिलाकोटा। रोटोफिल किसके लिए यूज करते हैं, फिलिंग ऑफ दी पैलेट्स, अभी बताया था मैंने। रोटाशॉट रिमूविंग दी लूज पाउडर, लूज पाउडर को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, तो बचाया क्या, जानसी, जानसी किसके लिए, पाउडर फिलिंग के लिए करते हैं। तो फर्स्ट का क्या होगा, आर, फर्स्ट का आर इसमें, एकमात्र इसी में फर्स्ट का आर, यहां से आप आंसर निकाल सकते हो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए तो यहां पर मशीन दी गई है रोटा शॉट लूज पाउडर को रिमूव करने के लिए और शॉर्टनिंग ऑफ द कैप्सूल के लिए हम यूज करते हैं, एसिलाकोटा पान पॉलिशिंग के लिए यूज किया था, रोटोफिल पैलेट्स की फिलिंग के लिए यूज करते हैं, जानसी पाउडर फिलिंग के लिए यूज करते हैं, पेरी जो होता है पाउडर फिलिंग के लिए यूज करते हैं, अरेबिका की क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, वेरिका कैप्सूल वेइंग मशीन है और रोटोवे भी कैप्सूल वेइंग मशीन है। यस, विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर द क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ कैप्सूल, अभी अभी पिछले बार जो कुछ पिछली बार ही दिया गया था, अभी इसका पहले का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में था ये सब चीजें, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वेरिकैप टैबलेट वेइंग मशीन है, रोटा शॉट लूज रिमूव दी लूज पाउडर, इरविका की क्या करती है, डीडस्टिंग का काम करती है, क्लीनिंग का काम करती है, तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग, लेकिन पॉलिशिंग भी करती है साथ में, पॉलिशिंग और क्लीनिंग दोनों करेगी, तो उसके लिए आपको होता है सिडेनेडार PM16, क्या होगा करेक्ट आंसर, सिडेनेडार PM16, क्लीनिंग और पॉलिशिंग दोनों पर्पज के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रिक
पीएच ऑफ टाइप ए टाइप बी जिलेटिन रिस्पेक्टिवली आर। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है समझिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आइसोइलेक्ट्रिक मतलब आपका जो जिलेटिन होता है प्रोटीन होता है, और स्पेसिफिक पीएच पर जाकर जिलेटिन मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों चार्ज आ जाते हैं, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रिक माइग्रेशन रुक जाता है, वो मूव नहीं करता। तो उस पीएच को बोलते हैं हम उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। हर प्रोटीन की अपनी एक स्पेसिफिक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होती है। जहां पर हम बात करते हैं कि दो टाइप के जिलेटिन होते हैं, टाइप ए जिलेटिन और टाइप बी जिलेटिन। टाइप ए जिलेटिन को हम एसिड प्रोसेस से बनाते हैं, और टाइप बी जिलेटिन को हम एल्कलाई प्रोसेस करके बनाते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका, जो टाइप ए जिलेटिन होता है जिसको ऐसे ट्रीटमेंट से बनाते हैं उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बेसिक होती है, जबकि टाइप बी जिलेटिन जिसको एल्कलाइन ट्रीटमेंट से कराते हैं उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 फॉर दी टाइप ए एंड 4.7 इज द टाइप इज फॉर टाइप बी। चलिए, टेम्परेचर ऑफ पिन इन डिपिंग स्टेप इन मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल शेल। एम्प्टी कैप्सूल जिलेटिन शेल को जब हम बनाते हैं, याद करिए, आपको पिन मोल्ड मेथड से बनाते हैं, जिसमें हम जिलेटिन का एक एक मेल्टेड मास प्रिपेयर कर लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, पिन को डिप करते हैं। डिप करने के बाद रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करने के बाद हम उसको ड्राइंग करने के बाद उसको रिमूव किया जाता है पिन के ऊपर से, ठीक है, स्ट्रिपिंग बोलते हैं इसको। फिर कटिंग वगैरह करने के बाद उसको डाल दिया जाता है। तो यहां पर पिन का मोल्ड, पिन जो रहती है इस तरीके से, पिन रहती है, आपने देखा होगा ना, यहाँ पर एक पिन मोल्ड का एक सेट रहता है, इसमें बड़ी पिन और स्मॉल पिन, लार्ज पिन स्मॉलर पिन, लार्ज पिन स्मॉलर पिन, ऐसे सेट रहते हैं। इसको हम मेल्टेड जिलेटिन मास में डिप करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेल्टेड जिलेटिन मास का टेम्परेचर नहीं पूछा गया, इसमें पिन का टेम्परेचर पूछा गया। तो पिन का टेम्परेचर बेटा जी कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, पिन का टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सॉल्यूशन का कितना होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे कि डिपिंग के दौरान जो टेम्परेचर होगा पिन का 22 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉल्यूशन का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 सेकेंड टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, ज्वाइनिंग, पॉलिशिंग, ये सब प्रोसेस रहती है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आयरन कंटेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नाइपर में भी पूछा गया, जीपेट में भी पूछा गया, और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा, आयरन कंटेंट लिमिट फॉर दी जिलेटिन यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिलेटिन कैप्सूल कितनी होती है, नॉट मोर देन 5 ppm, नॉट मोर देन 15 ppm, नॉट मोर देन 7.5 ppm, या नॉट मोर देन 20 ppm, ध्यान दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होता है बेटा, ठीक है, करेक्ट टाइम कितना होता है, नॉट मोर देन 15 ppm। हाँ, करेक्ट टाइम नॉट मोर देन 50 ppm, 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए आयरन कंटेंट। आयरन कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे डार्क स्पॉट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट मोर देन 15 ppm। नेक्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, आपका जिलेटिन कैप्सूल, जिलेटिन जो होते हैं, जो सॉरी कैप्सूल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन में बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है मॉइस्चर कंटेंट का। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल का मॉइस्चर कंटेंट 12-16% होता है, जबकि सॉफ्ट का जिलेटिन मॉइस्चर कंटेंट 6-10% होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए 12-16%। अब बात करते हैं, द वन साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम अप टू, ऐसा कैप्सूल जिसका साइज नंबर 1 है उसमें कितना वॉल्यूम फिट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, एक का कितना होता है, एक का हाफ कितना होता है, 1 का हाफ कितना होता है, 0.5। तो यहां पर देख लीजिए 0.5 कहां पर आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। 0.5 कहां पर आ रहा है, डी ऑप्शन में, 0.55 ml, इसको याद रखिएगा, कितना होगा, 0.55 ml। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जी, डी 0.55 ml। यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए 000 का साइज 1.35, वॉल्यूम कितना होता है, वेट 950 होता है, 00 का 0.95, 00 कितना 0.95, और अप्रोक्सीमेट वेट 650 mg, 0 का 0.75 और 450 mg इसका वेट रहता है, 1 का 0.55 जो अभी क्वेश्चन में था, वॉल्यूम 0.55 वॉल्यूम रहता है, और इसमें वेट 300 mg तक फिल कर सकते हैं। नंबर 2 0.4, नंबर 3 0.3, नंबर 4 0.25, नंबर 5 0.15।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 400, मतलब आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400 ध्यान दीजिएगा। इन द प्रिपरेशन ऑफ कैप्सूल सेल द इंग्रेडिएंट मेंशन आर प्रेजेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, मैच देम करेक्टली। चलिए इनको मैच करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कौन सा, क्वेश्चन पहले ही बता दिया था मैंने आपको, कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करोगे, कौन सा प्रिजर्वेटिव, पैराबेंस, प्रोपाइल पैराबेंस, ध्यान दीजिएगा। एसिड सॉलिबिलिटी, अभी जाने दीजिए, हमें नहीं पता एसिड सॉलिबिलिटी क्या होती है, हम तो ऑर्गेनिक लेप्टिक प्रॉपर्टी को देखेंगे। एसेंशियल ऑयल, ये आपका फ्लेवरिंग एजेंट रहता है। ओपीसीफायर, ओपीसीफायर आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। एसिड सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एसिड सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम फ्यूमरिक एसिड यूज करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूमरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पी, पी का फाइव, पी का फाइव दो में, इसमें और इसमें, क्यू का फोर, ये भी बराबर हो रहा है, आर का टू, ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव, आर का टू इसमें है और एस का थ्री इसमें है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आपके सामने लिस्ट दी गई है डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट के बारे में। फिल्म फॉर्मर जिलेटिन होता है, कलरेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड और सॉरी इरिथ्रोसिन इंडिगो कार्बन क्वारिनिल एरो होता है, ओपीसीफाइड एजेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, प्रिजर्वेटिव आपके पैराबेंस होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट वेनिलिन, स्वीटनिंग एजेंट में शुगर और सुक्रोज, सोलिबिलिटी एनहांसर फ्यूमरिक एसिड और चिलेटिंग एजेंट में हम ईडीटीए यूज करते हैं। चलिए ओके, चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों के पेशेंस के लिए, और थैंक यू सो मच आप लोग रुके रहे, डटे रहे मैदान में, और आप लोगों ने अच्छे से आंसर किए तो मैं देख पा रहा था, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफी बच्चे काफी उत्साह से, काफी जोश से, काफी एनर्जी के साथ में इस सेशन में जुड़े हुए हैं, और काफी उनको एडवांटेज भी मिलने वाला। हमने बहुत सारी चीजें सीखी, डिस्कस की, हो सकता है प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है, टाइपिंग एरर रहती है, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने सारी चीजों को आपको क्लियर करके चला हूँ तो ध्यान दीजिएगा, और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। टैबलेट कैप्सूल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ सपोर्टरी और सेमी सॉलिड्स को भी आप लोग पढ़िए। यस, आज हमने अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, समझा, परखा, जाना। अभी आपके कुछ अगर कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डेट में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, लेकिन सबसे जरूरी चीज पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए, बाय बाय।